कुमार ने पहचान बनाए बिहार के। आरजेडी के लोग जो तरह तरह के अफवाह उड़ाते हैं, या जो आपका मुजफ्फरपुर के घटना है, मुजफ्फरपुर में घटना या प्राकृतिक समझिए कि घटना है, दूसरा नंबर की लालू प्रसाद यादव के परिवार के कोई भी बिहार में किसी पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं है, इसलिए कि उनके टाइम में तो गोली से 200-200 लोग भूंजा जाते थे, गोली से मार दिया जाता है, बड़ा बड़ा नरसंहार हुआ, सेनारी नरसंहार, बथानी नरसंहार, आपका सिरघाटी दंगा, आपका सीतामढ़ी दंगा, सासाराम दंगा, मियाँपुर नरसंहार, बड़ा बड़ा हादसा हुआ, उस पर ये लोग की बोलने की कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ये आरजेडी के लोग फेलियर हैं। तेजस्वी अपना देख लिए हैं, तेजस्वी के बारे में लोग बहुत अपना, इनका बड़ा ख्वाब था कि हम अगला मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या बिहार में आप लोगों ने देखा कि अपना एक बहन को भी जिता नहीं पाए, इसलिए कि बहन के चुनाव में ये लोग घर घर घूमे हैं, जहाँ पर जादो की बहुल क्षेत्र दानापुर माना जाता है पाटलिपुत्रा, और छपरा में भी हार गए, मधेपुरा में भी हार गए, तो ये आप समझिए कि तरह तरह के अपना हमारी सरकार को बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार की जनता क्रम से डूब गया है, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी के अनाप शनाप बोलते थे, अब बोलने के बाद इनका रिजल्ट जीरो जब आया है, इसलिए वो तो समझिए कि अब इन लोग को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, इन परिवार को, इसलिए कि तरह तरह के घोटाला, नरसंहार, दंगा, अपराध, अपहरण से बिहार त्रस्त था, उसे मुक्ति नीतीश कुमार ने दिलाया है, और नीतीश कुमार के पर लोग विश्वास करते हैं, इसलिए इन लोग को, पूरे परिवार को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और जो अपना परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकता है, परिवार को बचा नहीं सकता है, आप देख ही रहे हैं अलग अलग समस्या है, एक हमारी यादव परिवार के एक अच्छा परिवार के लड़की को भी सुरक्षित ये लोग नहीं रख सकते हैं, उसको भी अपमानित करते हैं, इसलिए समाज से इन लोगों को अब नाता नहीं रह गया है, समाज से ये लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं जनता के सामने आ रहे हैं, वो शर्म से नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उनको तो मन में घमंड हो गया था कि अब की बार हम महागठबंधन बना के पूरे बिहार जीत लेंगे, नीतीश कुमार फेलियर कर जाएंगे, इसलिए तेज प्रताप सक्रिय है, तेज प्रताप देखिए, तेज प्रताप का तो कोई एक सीट नहीं ले पाए, तेज प्रताप को तो कोई वैल्यू दिया नहीं, तेज प्रताप तो जैसे मुख्यमंत्री नीतीश लालू प्रसाद यादव थे, एक राजा के रूप में थे, तो राजा परिवार का बड़ा पुत्र का पगड़ी मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन इनको सम्मान भी नहीं दिया, यह लोग ये तो एक महात्मा साधु बन गए हैं, और साधु बनने के बाद ये अपना परिवार को तलाक देने के लिए प्रयास में, तो तेजस्वी यही संभाल के दिखा दें, बिहार के जनता इसी का इंतजार कर रहा है।